तो हम यहाँ से पढ़ेंगे आज, ये पढ़ लिया था ना अपने यहाँ, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल। हाँ क्या कह रहे हो अभी मुन्या? मैं रीडिंग कर रहा था ना, क्या हाउ एवर से पढ़ना है, हाउ एवर दिस सोर्स में मैं समझा देती हूँ, चलो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल सॉल्ट्स प्रेजेंट नेचुरली इन वाटर आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ। तो कुछ स्मॉल अमाउंट, छोटा सा मतलब थोड़ा सा अमाउंट होता है मिनरल सॉल्ट का, जो प्रेजेंट होता है वाटर के अंदर नेचुरली, नेचुरली होता ही है वो पानी के अंदर, तो वो अपने ह्यूमन हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है, मतलब फायदेमंद होता है। हाउ एवर दीज सॉल्ट मेक वाटर अ गुड कंडक्टर, ये सॉल्ट वाटर को गुड कंडक्टर बना देते हैं, जबकि ये वाटर को गुड कंडक्टर बना देते हैं, लेकिन ये हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। सो वी शुड नेवर हैंडल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद वेट हैंड, तो गीले हाथों से कभी भी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को हैंडल नहीं करना है। और वाइल स्टैंडिंग ऑन अ वेट फ्लोर, या फिर गीली जमीन पे आप खड़े हो तो भी कोई भी बिजली की चीजों को नहीं टच करना है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस है उनको टच नहीं करना है। वी हैव फाउंड दैट कॉमन सॉल्ट व्हेन डिजोल्व्ड इन डिस्टिल्ड वाटर मेक्स इट अ गुड कंडक्टर। हमने पाया कि जब कॉमन सॉल्ट को हमने डिस्टिल्ड वाटर में डिजोल्व कर दिया, घोल दिया, तो वो गुड कंडक्टर बन गया। वॉट आर द अदर सब्सटेंस विच वेन डिजोल्व इन डिस्टिल्ड वाटर मेक इट कंडक्टिंग, और कौन सी चीजें हैं जो डिस्टिल्ड वाटर में अगर हम मिला दें उनको, जैसे सॉल्ट को मिला दिया तो जो हमारा पानी था वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग गया, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने लग गया, इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से फ्लो करवाने लग गया। और कौन सी चीजें जो हम मिला दें डिस्टिल्ड वाटर में, तो उनको मिलाने के बाद भी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सके, और कौन से? लेट अस फाइंड आउट, चलो पता लगाते हैं। कॉशन, कॉशन मतलब सावधानी, तो क्या सावधानी रखनी है? डू द नेक्स्ट एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर और पेरेंट। आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं ये अगली वाली, ये टीचर या पेरेंट के सुपरविजन में करें, सुपरविजन मतलब उनकी देख रेख में ही करें। और सम एल्डरली पर्सन, या फिर बड़े इंसान की देख रेख में ही करें, मतलब उसके उसकी देख रेख अकेले में नहीं करना है। बिकॉज द यूज ऑफ एसिड इज इन्वॉल्व इन इट, क्योंकि इसमें हम एसिड का यूज कर रहे हैं, एसिड केमिकल होता है, वो हमारी स्किन को जला सकता है, इसलिए हमें किसी बड़े की सुपरविजन में ही वो करना चाहिए। एक्टिविटी इतनी सी एक्टिविटी है, चलो मैं ही पढ़ देती हूँ उसको, तुम पढ़ दो, तो चलो एक्टिविटी पढ़ दो, चलो अभी थोड़ा तेज बोलना, तेज तेज आवाज धीरे आती। टेक थ्री, प्लेन प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ वाटर प्योर अबाउट 2 टीस्पून्स ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन ईच ऑफ देम। टेक थ्री, क्लीन प्लास्टिक और रबर की कैप्स लेने और बोतल की प्योर अबाउट 2 स्पूनफुल 2 चम्मच उसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर भरना, 2 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस, उसमें कुछ लेमन जूस के ड्रॉप्स डालने हैं और डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बूंद डालने हैं 2 डिस्टिल्ड वाटर इन 1 कैप, 1 कैप में डिस्टिल्ड वाटर चाहिए। तो नाउ या तो इन लेमन सेकंड जूस डाल दो, लेमन जूस है तो लेमन का जूस के ड्रॉप डाल दो, मतलब नींबू, नींबू निचोड़ दो उसमें, ठीक है, 1-2 ड्रॉप या फ्यू ड्रॉप, मतलब कुछ ड्रॉप्स उसमें नींबू के डाल दो, या फिर अगर आप लेबोरेटरी में हो, नींबू नहीं है वहां पे, लैब में हो, तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट का मतलब होता है, एक तो होती है कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होती है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दो तरह के एसिड। और हाँ वीक डाइल्यूट वीक होता है ना, डाइल्यूट वीक होता है, जो कॉन्सेंट्रेटेड होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, एक भी ड्रॉप गिर गई तो मतलब समझ लो जल गया, पूरा सब कुछ जल जाएगा। तो डाइल्यूट में क्यों वीक होती है ये बता देती हूँ मैं, तो लैब के अंदर दो तरह की मिलेंगी, उन पे लिखा भी रहेगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और लिखा रहेगा कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम लिखे रहते हैं उनपे। तो
तो जो कॉन्सेंट्रेटेड वाली होती है वो तो बच्चों को टच करने ही नहीं दी जाती है पहली बार, तो वो तो टीचर अपने हाथ से डालता है, वो कहता है इसको मत टच करना, तुम डाइल्यूट वाली यूज करो, कॉन्सेंट्रेटेड का यूज आता है तो टीचर खुद अपने हाथ से डालते हैं, ठीक है। तो क्या होता है डाइल्यूट में वाटर जो होता है ना, वाटर की परसेंटेज बहुत ज्यादा होती है, एसिड तो 1% होती है और उसमें पानी मिला देते हैं, 99% तो वाटर ही होता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, और जो कॉन्सेंट्रेटेड होती है उसके अंदर वाटर की अमाउंट कम होती है और एसिड का अमाउंट ज्यादा होता है, इसलिए कॉन्सेंट्रेटेड वाली बहुत स्ट्रांग होती है, और डाइल्यूट वाली मतलब इसमें पानी मिला हुआ है बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर है इसमें, ठीक है। आगे बताओ, लेमन जूस की ड्रॉप डाल दो या फिर कुछ ड्रॉप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डाल दो, दोनों में से किसी एक की डालनी है, दोनों की नहीं डालनी है, और का मतलब होता है अथवा, जैसे होता है ना ये क्वेश्चन करो या ये क्वेश्चन करो, एग्जाम में भी आता है ना क्वेश्चन नंबर 1 और दिस, मतलब दोनों में से एक करना है, दोनों नहीं करना है एक करना है, तो दोनों में से एक करना है, या तो लेमन जूस की ड्रॉप डाल दो या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो, ठीक है। आगे पढ़ो, Now in the second cap containing distilled water, second cap में distilled water contain करना है, add a few drops of base, base की कुछ drops डालने हैं, such as caustic soda और potassium कॉस्टिक iodide. सोडा या फिर पोटेशियम आयोडाइड, मतलब पहले वाले कैप में तो डाल दिया एसिड, लेमन भी एसिड ही होता है, लेमन जूस डाल दो या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो, मतलब एसिड डालिए पहले वाले कैप में, दूसरे कैप में कॉस्टिक सोडा है तो डाल दो, नहीं तो पोटेशियम आयोडाइड डाल दो, मतलब एसिड बेस डालना है, दूसरे में बेस डाला है पहले वाले में एसिड, ठीक है। आगे पढ़ो, Add a little sugar to the distilled water in the third cap and dissolve it. A little sugar डालने हैं distilled water के अंदर third cap and dissolve से अच्छी तरह से मिला देना है. Test which solution conduct electricity. Test से देखो कौन सा है ना इनका electricity को conduct करता है, which do not और कौन सा नहीं करता. What result do you obtain? तो कौन सा क्या result obtain करते हो? क्या आगे भी पढ़ो, ठीक है तुम्हें ये भी पढ़ दो, Most liquids that conduct electricity are solution of acid, bases and salts. Most ज्यादा liquids होते हैं जो electricity को conduct करते हैं वो acid, base और salt के solution होते हैं। को टिक कर लो, बहुत important है, 100% आ सकता है। देखो इसमें क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस और सॉल्ट, तो ये ऐसे आ जाएगा कि एसिड बेस और सॉल्ट मतलब ये तीनों में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है या नहीं हो सकती, किसी तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो तीनों ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं, ज्यादा कौन करवाता है? ज्यादा तो इसमें लिखा नहीं है बट तीनों में से कंडक्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी, एसिड बेस और सॉल्ट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन, जब एक इलेक्ट्रिक करंट एक सॉल्यूशन को मतलब सॉल्यूशन में से कंडक्ट फ्लो होता है, कंडक्टिंग सॉल्यूशन मतलब जो उसको कंडक्ट करवा रहा है, जो उसको जाने दे रहा है उसमें से फ्लो होता है तब, Does it produce an effect on the solution? ये does it produce ये एक effect प्रभाव इसके ऊपर क्या ये produce करता है? सॉल्यूशन पे, हाँ क्या ये सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट प्रोड्यूस कोई प्रभाव डालता है उस सॉल्यूशन, ये पूछा गया, तो अब नीचे हम यही पढ़ेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये केमिकल मतलब इलेक्ट्रिक करंट का प्रभाव पड़ता है, यस उसका प्रभाव होता है, उसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, चलो आगे भी पढ़ो, रिपीट करो आगे। In class 7th, we have learned some effects of electric current. Class में हमने कुछ chemical effects पढ़े थे. Can you list these effects? क्या तुम्हें ये effects बता सकते हो? What effects does the current produce? कौन से effects current produce करता है? When जब it flows through it, जब उसको flow करता है, a conducting solution, conducting solution के को फ्लो करता है, लेट अस फाइंड आउट के अंदर से कंडक्टिंग सॉल्यूशन में से फ्लो करता है तो क्या इफेक्ट मतलब क्या प्रभाव सॉल्यूशन के ऊपर, चलो पता लगाते हैं, ठीक है पढ़ो ये एक्टिविटी। एक्टिविटी 14.6 टेक आउट कार्बन रोड्स केयरफुली फ्रॉम टू डिस्कार्ड सेल्स, डिस्कार्ड सेल मतलब जो
जो डिस्कार्डेड सेल है, जो वेस्ट है हमारे काम के लिए, उनमें से दो कार्बन की रॉड्स निकाल लो, टेक आउट केयरफुली फ्रॉम डिस्कार्डेड सेल। कार्बन रॉड्स उसके अंदर ही होती होंगी, उसको जब हम वो कर देते हैं खराब हो जाता होगा ना, तो उसके अंदर जो रॉड्स होती होंगी वो इसमें से दिखा देती हूँ, अगर मिल जाता है तो डायग्राम। डिस्कार्ड पे यहाँ से मैंने लिखवा है ना, वो डिस्कार्ड का, डिस्कार्ड तो जो हम फेंक देते हैं, जो हमारे काम की नई चीज होती है उसके लिए। लिखवा दिया था पहले। टू थ्रो समथिंग अवे बिकॉज इट इज नॉट, फेंक देना, बेकार समझकर फेंक देना। थ्रो समथिंग अवे बिकॉज इट इज नॉट यूजफुल, कोई चीज हमारे यूजफुल नहीं है तो हम उसको फेंक देते हैं, तो हम उसके लिए डिस्कार्ड का यूज करते हैं। केयरफुली हम डिस्कार्ड करते हैं। लो यहाँ डायग्राम दिखा देती हूँ, कार्बन सेल द कार्बन इन अ ड्राई सेल डज नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। जो कार्बन पड़ होती है ना, ड्राई सेल मतलब अपनी जो जो ये सेल्स होती हैं बैटरी वाली, ये सब ड्राई सेल में आती है सारी, ठीक है। तो जो कार्बन रॉड होती है ड्राई के अंदर, वो पार्ट नहीं करती है, डज नॉट टेक पार्ट इन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में, मतलब वो हिस्सा नहीं लेती है। दैट अकर इन अ सेल टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल जो रिएक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसमें ये पार्ट नहीं लेती है, हिस्सा ही नहीं लेती है। हाउ एवर द कार्बन रॉड सिंपली अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अलाउ करती है। तो हम कार्बन रॉड का यूज कर सकते हैं, मतलब एक तरह से बेकार, ये खराब थोड़ी हुई है, वो तो इलेक्ट्रोकेमिकल ये केमिकल्स खत्म हो गए, इसलिए सेल मतलब काम की नहीं रही। कार्बन रॉड तो काम की है ना, उसको तो यूज कर सकते हैं हम। कार्बन इलेक्ट्रिसिटी को पास करती है वो ये इलेक्ट्रॉन के कर। फ्लो को अलाउ करती है, कार्बन रॉड सिंपली अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अलाउ करती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने देती है अपने अंदर से, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा के बहाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को चलने देती है। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती है इसमें पार्ट नहीं करती, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन मतलब जो केमिकल एनर्जी है सेल की वो किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो सेल में जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए, उसके अंदर एक कार्बन की रॉड पार्ट नहीं लेती है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ करवाती है मतलब फ्लो करने में। बिचेस देख लो, ये होती है इस तरह की रॉड होती है, ये रे तो ड्राई बैटरी जाता है, ये ड्राई इनमें पाउडर मिलेगा, अगर तुम इनको ओपन करके देखोगे ना, मैंने भी करके देखा है, इनमें पाउडर ये रे। हाँ उसके नीचे फिर वो निकलता है पाउडर। क्या बोल रहा अभी बनियो, वापस बोलना। पहले तो इसकी ये मेटल की ये शीट लगी होती है, ये निकलती है, उसके बाद इसमें पाउडर निकलता है, फिर और फिर ये रॉड भी निकलती है ऐसे। हाँ इसको ओपन करो, ये देखो हाउ टू गेट फ्री कार्बन रॉड्स, ये इस तरह के होते हैं इसके अंदर कार्बन, और नीचे द सेक्शन ऑफ यूज्ड जिंक। और ये रहा बीच वाला, ये कार्बन की रॉड होती है बीच वाली, ठीक है ये रॉड लेनी है। आगे पढ़ो, आगे पढ़ते हैं। क्लीन क्लीन देयर मेटल कैप्स विद सैंड पेपर, उन जो मेटल कैप्स होती है उन सैंड पेपर से क्लीन करना है। कॉपर वायर से रैप करना है अराउंड द मेटल कैप, मेटल कैप के अराउंड ऑफ द कार्बन रॉड एंड जॉइन देम, उसे बैटरी के साथ जॉइन करना है। ये देखो ये रहा, ये रही मेटल की कैप, इसके चारों तरफ ये इस रखे ना ब्लैक ब्लैक कलर के, मतलब ये वो कर रखा है रैप कर, ये ऊपर मेटल की कैप है, ये दो कार्बन रॉड ले ली, ये वाटर है, ये कार्बन के ऊपर ये मेटल की कैप है, इस कैप के ब्लैक ब्लैक एक सर्कल दिखा के तीन, ये क्या हो गया रैप कर दिया, रैप मतलब लपेटना।
कॉपर वायर लगे, ठीक है, आगे फिर बैटरी से चार्ज हो गया। ये है हमारी बैटरी, इसके अंदर बता नहीं रखी कितनी सेल्स की बैटरी, डैश डैश डैश, मतलब पता नहीं कितनी भी सेल्स हो सकती है, ठीक है। तो ये बैटरी है, बैटरी हमेशा ऐसे बनाना, प्लस इधर रहना चाहिए और माइनस इधर रहना चाहिए, हमेशा ऐसे एक प्लस का एक माइनस का, प्लस का माइनस का, तो यहाँ माइनस का ही आएगा, यहाँ प्लस का है तो इधर माइनस का आएगा, ठीक है। आगे we call these two rods electrodes, ये जो दो रॉड्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड्स बोलेंगे, instead of carbon rods, in carbon rods के बजाय you may take two iron nails about 3 centimeter long, इन्हें ये 6 सेंटीमीटर लॉन्ग की नेल भी कील भी ले सकते हैं, और एक कप फुल ऑफ वाटर इन अ ग्लास प्लास्टिक बॉल, और एक कप फुल ऑफ वाटर पूरा कप भर के वाटर इन अ ग्लास ग्लास। अभी मुन्नी तुम्हारी आवाज ऐसे हवा हवा क्यों चल रही है, ऐसे तो हवा चल रही है, तुम हवा में बैठे हो, फैन कूलर चलता है जब आवाज नहीं आती वैसे आवाज आ रही है, पता नहीं क्लियर नहीं आ, जैसे सौरभ के टाइम में एकदम क्लियर आवाज आती है। Yes, ma'am. Add a teaspoon of salt or a few drops of lemon juice to water to make it more conducting. अभी आ रही है, ऐसे बोलो, अभी एकदम सही आ रही है। एक स्पून के सॉल्ट और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस की वाटर में डालनी है, मेक इट मोर कंडक्टिंग, उसे और भी ज्यादा कंडक्टिंग बनाने के लिए। नाउ इमर्ज द इलेक्ट्रोड, जल्दी जल्दी नहीं भागना, आराम आराम से, तेज बोलना है बस, धीरे धीरे बताना। नाउ इमर्ज द इलेक्ट्रोड्स इन दिस सॉल्यूशन, अब वो इलेक्ट्रोड्स है उसे डुबो देना, इमर्ज का मतलब होता है उसको डिप कर देना, हाफ जब अपन डिप कर देते हैं फिर इमर्ज हो देना, पुट समथिंग इनटू अ लिक्विड सो दैट इट इज कवर्ड, किसी वस्तु को द्रव में पूरी तरह डुबोना, मेक श्योर द स्पैगेटी इज फुली इमर्ज्ड इन द बॉइलिंग वाटर, स्पैगेटी फुली इमर्ज्ड है, स्पैगेटी वही होती है जो अपन खाते ना नूडल्स के जैसे। To involve yourself completely in something so that you give it all your attention. किसी में लीन हो जाना, पूरी तरीके से लीन हो जाना, किसी काम में पूरी तरह लीन हो जाना। राखी is usually वो बुक में पूरी ली, मतलब पूरी तरह डूब जाना, वस्तु का पूरी तरह डूबना, ठीक है। आगे पढ़ो। Make sure that the metal caps of the carbon rods are outside the water. और ये पक्का रहे कि जो मेटल की जो कैप्स है उनका कार्बन रोड्स की आर आउटसाइड द वाटर, वो वाटर के बाहर हो, जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है आपको, देखो यहाँ पे मेटल की कैप को बाहर आगे। वेट फोर मिनट्स, थ्री और फोर मिनट्स के लिए वेट करना है। ऑब्जर्व द इलेक्ट्रोड्स केयरफुली, हमें इलेक्ट्रोड्स को ध्यान से देखना है। Do you notice any gas bubbles near the electrodes? क्या आपने कोई bubbles को, gas के bubbles को देखा इनके पास? Bubbles में. Can we call the change taking place in the solution a chemical change? क्या हम इस change को इस solution में हुआ इसे chemical change बोल सकते हैं? Bubble मतलब जो बबूले उठ जाते हैं, बबूले नहीं उठते पानी के, गोल गोल गोल, उनके लिए बोला। ठीक है आगे। Recall the definition of the chemical change that you learned in class 7th. वो definition को फिर से याद करो of chemical change की जो कि हमने 7th class में पढ़ी थी। Chemical change मतलब कोई नई चीज produce होना, कोई gas produce हो रही है इसका मतलब, कोई नई चीज, इसका मतलब chemical effect हो रहा है, तो chemical change मतलब ये हो गया कि chemical effect, इसी को बोला गया, ठीक है। तो chemical change में क्या होता है, कोई नई चीज produce, तो यहाँ पे गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। आगे फिर आगे क्या होता है, आगे पढ़ो। In 18th century, a British chemist
William Nicholson, 1753 to 1915, had shown that if electrodes were immersed in water and a current was passed, bubbles of oxygen and hydrogen were produced. 18th century में British chemist को भी कह सकते हैं, और chemist जो दवाई देता है अपन को उसको भी अपन chemist ही बोलते हैं. यहाँ से भी लिख लो एक बार, chemist जो दवाई देता है अपन को, मतलब जो वहां पे medical shop पे होता है ना, उसको भी हम chemist बोलते हैं. A person who prepare or sells medicine, जो prepare करता हो या जो बेचता हो, जो medicine बेचते हैं अपन को, उनको भी अपन chemist बोलते हैं. कि है ना, chemist की दुकान से वो medicine ले आना, मेरे लिए सर दुख है. ठीक है, तो a person who prepares, जो बनाता है या जो बेचता है medicines को, औषधि निर्माता या उस विक्रेता. Shop that sells medicines, soap, cosmetics, etc. वो दुकान जहाँ पे मेडिसिन, औषधियां, साबुन या फिर कॉस्मेटिक्स, जो अपन सुंदरता के लिए जो यूज करते हैं ना, लिपस्टिक, काजल और ये सब चीजें, कॉस्मेटिक वस्तुएं, सौंदर्य वर्धन वस्तुएं आदि बेचने की दुकान. आई गॉट माई टैबलेट फ्रॉम द केमिस्ट. अ पर्सन हु इज अ स्पेशलिस्ट इन केमिस्ट्री, अपने वाला ये है जो केमिस्ट्री में मतलब स्पेशलिस्ट उस तरह की, मतलब केमिस्ट्री की स्पेशलिटी है जिसके पास. ठीक है, विलियम निकोलसन हैड शोन, उसने ये दिखाया था दैट इफ इलेक्ट्रोड्स वेर इमेज्ड, उन्हें वाटर में डाला जाए एंड करंट पास वाज पास्ड, उनमें करंट को पास किया जाए तो बबल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वर प्रोड्यूस. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बबल्स प्रोड्यूस्ड होंगे. ऑक्सीजन बबल्स फॉर्मड ऑन द इलेक्ट्रोड connected to the positive terminal of the battery and hydrogen bubbles form on the other electrode. Positive वाले से वो oxygen के bubbles और दूसरी वाली negative वाली से hydrogen के bubbles मिलेंगे. तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो अपना water है वो H है ना, hydrogen के दो atoms होते हैं और oxygen का एक atom होता है उसके अंदर. Sorry, होते हैं दो हाइड्रोजन के एलिमेंट और एक ऑक्सीजन का एलिमेंट होता है, तो इससे मिलके बनता है वाटर से. तो वो वाटर भी तो उससे बना होता है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से. हाँ, तो वही तो ब्रेकअप, तो वही और उसको मतलब गैस में कन्वर्ट कर देता है उन्हीं एटम को पानी को. वो इसके अंदर ये इलेक्ट्रोड्स डाला तभी इसकी भी थोड़ी फिर वो वैसे भी किया जा सकता है. मतलब इलेक्ट्रोड्स ये इसके अंदर डिप करके फिर करंट पास करवाएंगे तभी है ना ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. तभी इन्होंने देखा ऐसा कि जब इन्होंने इलेक्ट्रोड्स डिप करवाए तो इन्होंने देखा कि गैस मतलब बबल्स होते हैं. जैसे पहले तो इन्होंने नहीं देखा, पहले जो ये लोग कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, तो इन्होंने पहले तो ऐसा कुछ देखा नहीं. अब इलेक्ट्रोड्स जब इन्होंने डिप किए, कार्बन की रॉड को जब डिप किया, तो इन्होंने देखा कि ये बबल्स उठ रहे हैं. तो इन्होंने बोला कि या पॉजिटिव वाले से ऑक्सीजन की और यहाँ से नेगेटिव की, ये इन्होंने देखा है वही यहाँ पे लिखा है. प्योर वाटर, दीज टू रॉड्स इलेक्ट्रोड्स, इनको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं. और इन्होंने यहाँ पे देखा, जो देखा वो बताया. ये तो अभी मैंने सुना, अभी आगे पढ़ लेते हैं. और क्या क्या आगे पढ़ लो एक बार. Of an electric current through a conductive solution cause chemical reaction. जो electric current का जो passage है through a conductive solution cause वो एक chemical change का कारण है. As a result, जैसे को मैं भी समझा देती हूँ इसको. The passage of an electric current, passage मतलब रास्ता, जो electric current का जो passage of an electric current through a conducting solution, जो conducting solution है, मतलब जैसे पानी conducting solution हुआ जिसमें electric current conduct कर सकता है. तो the passage of an electric current का जो passage है, जो रास्ता है, through मतलब किसके द्वारा, किसके अंदर से, conducting solution के अंदर से जो रास्ता है उसका, causes chemical reaction. तो ये chemical reaction cause कर रहा है, electric current इसमें से flow हो रहा है ना, तो वो chemical reaction कर रहा है. मतलब जब हमने electrodes डाले ना, तो उस time क्या है, chemical reaction कर रहा है. तो उस chemical reaction की वजह से, आगे पढ़ो. As
result bubbles of gas may be formed on the electrodes. इसका रिजल्ट है बबल्स निकले गैस के मे बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर. डिपॉजिट्स ऑफ मेटल मे बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स. डिपॉजिट्स क्या होगा? डिपॉजिट का मतलब होता है जम जाना. मतलब डिपॉजिट ऑफ मेटल मे बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रोड्स के ऊपर मतलब हम मेटल का डिपॉजिट भी देखती है. और पढ़ो तो मतलब थोड़ा कुछ जम जाना उनके ऊपर. Changes of colors of solution may occur. जो उन changes का जो color है वो भी solution का जो color है, solution का color है वो भी change हो सकता है. वो change हो जाता है कई बार. और the reaction would depends on what solution and electrodes are used. जो ये reaction है ये depend करती है कि कौन सा solution use किया है और कौन से electrodes use किए हैं. These are some of the chemical effects of the chemical electric current. तो ये कुछ chemical effects हैं electric current के. मतलब जब हमने electrode dip किए पानी के अंदर कोई भी conducting solution के अंदर, तो उसके अंदर हमें bubbles दिखाई दिए. इसका मतलब जो current है जब वो उस पानी में से flow हो रहा है तो वो chemical reactions कर रहा है वहां पे. current की वजह से, current के effect ही हो गए. current flow करवा रहे हैं हम मतलब इसके इलेक्ट्रोड के थ्रू, तो केमिकल रिएक्शन हो रही है. जिस केमिकल रिएक्शन की वजह से, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कुछ ना कुछ नई चीज प्रोड्यूस होती है. जैसे कोई भी दो चीज मिलेगी तो गैस प्रोड्यूस कर देंगी या कुछ नया सब्सटेंस बनाएंगे और साथ में वाटर गैस. जैसे कि जो प्लांट होता है जो वो फूड बनाता है, तो वो लाइट, क्लोरोफिल और वाटर इन सब का यूज करके और फिर क्या क्या प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोज. मतलब फूड बनता है, वाटर बनता है और गैस भी बनती है साथ में. ठीक है, ऑक्सीजन जो गैस है वो रिलीज करता है. तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में ही गैसेस और नए प्रोडक्ट्स मतलब बनते हैं. तो इसने बोला है कि मेटल के वहां पे डिपॉजिट आता है. मतलब कुछ ना कुछ नई चीज बन रही है, केमिकल रिएक्शन की वजह से ही आ रहा है. जो डिपॉजिट हो जाता है मेटल्स के ऊपर, मतलब कुछ ना कुछ लग जाता है या फिर कलर भी चेंज हो जाता है सॉल्यूशन का, तो ये भी केमिकल रिएक्शन की ही निशानी है. केमिकल रिएक्शन में कलर भी चेंज हो जाता है चीजों का. तो कलर चेंज होता है मेटल के ऊपर, डिपॉजिट लग जाता है. मतलब कुछ ना कुछ नई चीज बन रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, कुछ बन रहा है जो ये डिपॉजिट कहाँ से आ गया. नहीं तो, तो और गैसेस भी रिलीज हो रही है, गैसेस भी निकल रही है. तो इसने बोला है कि ये जो केमिकल, ये सब ये केमिकल इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट के. तो एक तो ये वाला ध्यान रखना है इसको, ये केमिकल इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का. तो हम अलग अलग सॉल्यूशन, अलग अलग इलेक्ट्रोड्स का अगर यूज करते हैं तो वो अलग अलग उसमें चीजें प्रोड्यूस होंगी. द रिएक्शन वुड डिपेंड, जो रिएक्शन होगी वो अलग रिएक्शन होगी. फिर उसमें जो चीजें प्रोड्यूस होंगी वो अलग होंगी. कलर चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. वो जो वाटर है ना, ये उस ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ही तो बना होता है ना. फिर इसको और किसी से नहीं निकाला जा सकता. वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वापस नहीं बनाई जा सकती. वाटर से वापस बन सकते होंगे, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वाटर बना है तो उससे वापस भी बन सकते होंगे. वो आना उसके लिए फिर इलेक्ट्रोड्स के, इलेक्ट्रोड्स भी चाहिए उनके साथ. हाँ, इसके अंदर तो इलेक्ट्रोड्स चाहिए. जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ पे निकल रही है ना गैस, तो इलेक्ट्रोड डालने के बाद इन्होंने तो ये देखा, एक्सपेरिमेंट किया और ये बताया है यहाँ पे कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट्स है. नई चीज प्रोड्यूस हो रही है, कलर चेंज हो रहा है, गैसेस भी निकल रही है, तो मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स है. ये समझा दो. इसके अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स की वो नेल्स भी ले सकते हैं. हाँ, दो आयरन नेल लिखा है ना, कील है. नेल मतलब कील है. आयरन की दो कीले ले और उससे देख लो एक्सपेरिमेंट, बबल्स दिखाई देंगे भी ले सकते हैं. पॉजिटिव और नेगेटिव कौन से होते हैं किसके अंदर, बैटरी में, नेल में? नेल में किसी को भी ले लो, कोई सा भी लगा लो. ऐसा थोड़ी इसमें इलेक्ट्रोड, इसमें भी तो ऐसा थोड़ी कुछ लिखा है पॉजिटिव नेगेटिव. इसमें तो एक सेल में से एक कार्बन रॉड निकाली, दूसरे में से दूसरी निकाल ली. कहीं पे भी लगा दो आयरन की एक नेल यहाँ और दूसरी नेल यहाँ लगा दो. ठीक है, अब ये पढ़ो तो बहुत जो क्या कह रहा है.
stuff. Boozer decided to test whether some fruits and vegetables also conduct electricity or not. Boozer decided to test check test karne ka whether some fruits or vegetables wo bhi electricity ko conduct kar sakte hain ya fir nahi. He cut a potato into two halves. Usne ek potato ko do hisson mein baata and inserted the copper wires of a tester into it. Inserted means we dip karna hai hota hai. Jisse dal rakhe na iske andar insert. Just his mother called him and he forgot to make out the wires of the tester inserted into the potato. Just then, iske baad mein his mother usne uski mummy ne us call kiya him. He forgot to take out the wires. वायर्स को बाहर निकालना भूल गया वो इंसर्ट करके उसकी मम्मी ने बुला लिया और चला गया और फिर वहां पे कुछ काम करने लग गया वो भूल गया कि मैं इंसर्ट करके ऐसा उनको निकालने भी है बाहर निकालना भूल गया फिर आगे When he came back after was a greenish blue spot on the potato after half an hour जब आधे घंटे बाद वो वापस आया After half an hour, he noticed that there was a greenish-blue spot on the potato around the, on the wire, whereas there was no such spots around the other wire. तो उसने देखा कि एक वायर के चारों तरफ तो क्या था ग्रीनिश वो ग्रीनिश और ब्लू स्पॉट था धब्बे था मतलब ग्रीन ग्रीन और ब्लू ब्लू धब्बे दिखे उसको और दूसरे वायर के चारों तरफ उसको कुछ भी नहीं दिखा उसने ये तो उसने तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ तो केमिकल रिएक्शन हो रही है वजह से तो ये प्रोड्यूस हुआ है आगे पढ़ो He was surprised with this observation and along with Paheli. वो इस ऑब्जर्वेशन से अब सरप्राइज था एंड अलोंग पहेली भी इसके साथ सरप्राइज थी रिपीट दिस एक्टिविटी मेनी टाइम्स उन्होंने पहेली के साथ में उसने रिपीट की एक्टिविटी को कई बार वो अकेला ही सरप्राइज था एंड अलोंग विद पहेली पहेली के साथ में उसने रिपीट की इस एक्टिविटी को कई बार की पहेली मैं तुमको दिखाता हूँ कि ब्लू और ग्रीन ऐसा धब्बा दिखाता जब मैंने ये एक्सपेरिमेंट तो मैं तुमको करके दिखाता हूँ फिर They found that it was always the wire connected to the positive terminal. They found उन्होंने देखा that it was always wire connected to the positive terminal. Positive terminal से जो वायर connected था वहीं पे ये green spot होता था ये देखो ये positive terminal है positive terminal से जो वायर connected है उसी वहीं पे green spot इन्होंने ये देखा फिर आगे Which had a green spot around it. वहीं पे वो green spot था. They felt that this discovery was very useful because it could be used for identifying the positive terminal of a cell or a battery concealed in a box. They felt उन्होंने कि एक नई आविष्कार है और very useful because ये बहुत यूजफुल है बिकॉज ये इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल एक सेल और बैटरी का कंसील्ड मतलब होता है छुपा होना जैसे कंसीलर यूज करते हैं ना मेकअप के अंदर आते हैं कंसीलर से क्या होता है उसमें जो दाग धब्बे होते हैं ना लड़कियां यूज करती हैं कंसीलर तो कंसीलर क्या होते हैं जो भी लड़कियों के दाग धब्बे होते हैं वो छुपा देता है कंसीलर तो कंसील करना मतलब किसी भी चीज को छुपा देना तो छुपाना To hide something, somebody, to prevent something from being seen or discovered. मतलब seen देखा ना जाए जैसे चेहरे face के जो दाग धब्बे होते हैं तो लड़कियां सोचते हैं कितने दाग धब्बे होते हैं तो concealer use करते हैं तो concealer क्या होता है वो skin के color के जैसे ही होता है वो पूरे दाग धब्बों को छुपा देता है skin के दाग धब्बों को तो किसी से कुछ छिपाना गुप्त रखना she tried to conceal her anger from her friend अपना anger conceal करना छुपाने की कोशिश कर रही थी वो दोस्त कुछ उल्टा सीधा बोल रहा होगा उसको तो वो कंसील कर रही थी छिपा रही थी अपने गुस्से को उसे गुस्सा तो आ रहा था अंदर ही अंदर बहुत कि इसके एक चांटा मार दूं अभी लेकिन वो उसको कंसील कर रही थी छिपा रही थी कंसील मतलब उसको छिपाना किसी चीज को छुपाना या गुप्त रखना ठीक है आगे बोलो They decided to report their finding
टू अ चिल्ड्रंस मैगजीन. उन्होंने ये निश्चय किया कि रिपोर्ट डिसाइडेड टू रिपोर्ट देयर फाइंडिंग, जो इनकी जो फाइंडिंग है जो इन्होंने रिपोर्ट कर चिल्ड्रंस के मैगजीन में, मतलब ये लिखवाएंगे ये लोग, उन्होंने ये डिसाइड किया. रिमेम्बर दैट पोजु सेट आउट टू टेस्ट वेदर पोटैटो कंडक्ट. हां आगे पढ़ो फिर पढ़ो. वेदर दैट पोजु सेट आउट टू टेस्ट पोटैटो कंडक्टेड इलेक्ट्रिसिटी और नॉट करने के लिए उसने टेस्ट किया था, मतलब कि पोटैटो इलेक्ट्रिसिटी करता है या नहीं. ही फाउंड What he found was that current produced a chemical effect in the potato. उसने जो ढूंढा that current produced a chemical effect. Current a chemical effect produced करता है potato के ऊपर. क्योंकि वो नई चीज produce हो रही है तो मतलब chemical effect है, chemical effect कर रहा है potato पे वो. ठीक है आगे. To him this was very exciting. उसके लिए ये बहुत ज्यादा exciting था. In fact, this is how science sometimes works. In fact, ये this is how कि science ऐसे ही काम करती है. Science ऐसे ही काम करती है. You are looking for something and you discover something else. तुम किसी चीज को ढूंढ रहे हो और तुम किसी चीज को आविष्कार कर लिया, कुछ और डिस्कवर हो जाता है. साइंस ऐसे ही काम करती है. साइंस में क्या होता है, पूछ रहे होते हैं कि हमें मतलब ये पता करने की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसके अलावा हमें कुछ और पता करना है कि हाँ इसमें केमिकल इफेक्ट भी हो रहा है. आगे. मेनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैव बीन मेड इन दिस. कई इंपॉर्टेंट डिस्कवरी इसी तरीके से हुई है कि कुछ और किसी और के लिए कर रहे थे वो लोग एक्सपेरिमेंट और कुछ और डिस्कवर हो गया. चीज होती है सब इलेक्ट्रिक और भी से ही काम करती है. इलेक्ट्रोप्लास्टिंग प्लेटिंग प्लेटिंग है. इलेक्ट्रोप्लेटिंग. यू नो दैट अ ब्रांड न्यू बाइसाइकिल हैज शाइनी हेड हैंडल बेयर एंड व्हील रिम्स. ब्रांड जो नई बाइसिकल होती है उसमें चमकदार तो हैंडल बार, जो हैंडल का बार होता है वो चमकदार होता है. आगे का जो डंडी होती है हैंडल की अपनी वो पूरी और व्हील रिम होती है, रिम होते लगे रहते हैं सारे होती है. फिर however if these are accidentally scratched, however अगर ये मतलब एक्सीडेंटली स्क्रैच पड़ जाए उस पे, ठीक है. एक्सीडेंटली मतलब जान पूछ के नहीं किया, हो गया गिर गए. क्या हाउएवर का मीनिंग. हाउएवर मतलब किसी तरह से, ये लिख लो उसका किसी भी तरह चाहे जैसे भी. हाउएवर मतलब किसी तरह जैसे. यूज्ड इन क्वेश्चंस अपने वाला तो ये है. यूज्ड इन क्वेश्चंस फॉर एक्सप्रेसिंग सरप्राइज इन व्हाट वे और हाउ. हाउ मतलब तरीके से एक्सीडेंट. हाउएवर डिड यू मैनेज टू फाइंड मी हियर मतलब किसी तरह से, कैसे, किसी भी तरह चाहे जैसे भी. अपना तो ये है किस. Or used for adding a you have just said although something is true. अभी कहीं बात के साथ कुछ और कहने के लिए प्रयुक्त. जैसे sales are poor this month, there may however be an increase before Diwali. Sales मतलब poor है इस month लेकिन बढ़ सकते हैं दिवाली तक, दिवाली से पहले. ठीक है. However मतलब अपने वाला क्या था, किसी तरह से, किसी किस तरह, किसी तरह से एक्सीडेंटली ये जो इनका शाइनी होता है ये स्क्रैच हो जाता है. द शाइनी कोटिंग, जो शाइनिंग कोटिंग कम्स ऑफ वो बाहर आ जाती है रिवीलिंग अ नॉट सो शाइनी सरफेस. बेनेट नीचे सरफेस है वो इतनी शाइनिंग नहीं है. रिवील करना मतलब दिखा देना, जैसे कंसील करना मतलब छुपाना होता है, रिवील का मतलब सब कुछ दिखा देना.
You might have also seen women using ornaments. तुमने शायद वुमेन्स को भी देखा है जो जेवर ऐसा लगता है कि गोल्ड के हैं, which appear to be appear मतलब दिखाई पड़ते हैं कि गोल्ड के ही बने, नकली होते हैं लेकिन ऐसा लगता है यार एकदम असली गोल्ड ही लग रहा है ये तो। फिर आगे क्योंकि इस पे भी पॉलिश। However, with repeated use, किसी तरह से with repeated use मतलब अपन यूज करते हैं उसको बहुत बार, डेली यूज में नहा रहे हैं और कुछ पहन रखा है अपन ने, तो उसकी कोटिंग उतर जाती है पूरी, गोल्ड की तो नहीं उतरेगी जो असली गोल्ड होगा, जो नकली होता है उसका तो निकल जाता है धीरे धीरे। फिर गोल्ड कोटिंग गोल्ड की कोटिंग में उतर जाती है, रिवेलिंग सिल्वर और सम अदर्स मेटल बैनेट्स। नीचे भी नहीं था, नीचे हो गया उसके अंदर में, मतलब तो कुछ अपन को क्या रिवील होता है, सिल्वर या फिर कोई दूसरा मेटल जो भी उसके नीचे। लेकिन आजकल के तो बढ़िया तरीके से पॉलिश करते हैं कि वो निकलती नहीं है, लेकिन हाँ कई बार यूज करने से तो निकल जाता है। बट गोल्ड को कितना भी यूज करो, जैसे गोल्ड की रिंग पहनते ना कितना भी यूज तो इनमें नहीं निकलती। जैसे मैंने 3 साल से पहन रखी है गोल्ड की रिंग, बिल्कुल भी ना तो शाइन गई ना। इनके ऊपर भी तो एक कोटिंग जम जाती है। हाँ नहीं गोल्ड पे जमती, गोल्ड इतना रिएक्टिव नहीं होता, सिल्वर पे हो जाती है। जो सिल्वर की चीजें होती है ना, सिल्वर के जो गहने होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, ज्वेलरी होती है, उन पे सिल्वर क्योंकि रिएक्टिव होता है, सिल्वर रिएक्ट कर जाता है एयर के साथ में, वाटर के साथ में, इनके साथ रिएक्ट करता है सिल्वर, इसलिए सिल्वर थोड़ा काला पड़ जाता है, लेकिन गोल्ड नहीं रिएक्ट करता, गोल्ड तो वैसा का वैसा ही रहता है। In both cases, a metal has a coating of another metal. दोनों केसेस में एक मेटल है जिसके पास एक अनदर मेटल की कोटिंग होती है। Do you wonder? या तुम wonder हो how a layer of one metal can be deposited on top of another? How कैसे एक layer of metal की can be deposit वो जम जाती है। एक metal की layer अपन दूसरे metal पे कैसे लगा देते हैं, जैसे gold golden layer लगा देते हैं अपन नीचे, चाहे लोहा ही हो, लोहे को golden मतलब वो कर दिया metal से, layer से उसको वो कर दिया, deposit कर दिया उसके ऊपर, तो ये कैसे होता है, चलो ये पता लगाते हैं यहाँ पे 14.7। हाँ We will need copper sulfate and 2 copper plates of size around 10 centimeter into 4 centimeter. हमें copper sulfate and 2 sulfate तो ये solution हो गया यहाँ पे, देखो ये रहा इसमें diagram में, copper sulfate solution, ये हो गया copper sulfate solution, ये copper की plates, 2 copper की plate ले लिया और copper sulfate solution ले लिया, ठीक है। फिर take 250 ml of distilled water in, ये उसकी length और breadth दे रखी है, इतनी length और take 250 ml distilled water लेना है in a clean and dry beaker, clean or dry beaker, dissolve 2 teaspoonful of copper sulfate in it, उसमें 2 spoons कॉपर सल्फेट डालनी है, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें कुछ बूंदे डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डालनी है, टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में टू मेक इट मोर कंडक्टिंग बनाने के लिए, मतलब सबसे पहले पानी लेना है, डिस्टिल्ड वाटर ले लो, डिस्टिल्ड वाटर में कॉपर सल्फेट डाल देंगे तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसको और ज्यादा कंडक्टिंग बनाने के लिए, ठीक है। फिर क्लीन कॉपर प्लेट्स विद सैंड पेपर, कॉपर की प्लेट्स को क्लीन करना है सैंड पेपर के साथ, नाउ rinse them with the water and dry them. Rinse मतलब पानी से उसको धो देना या भिगो देना पूरा पानी में। Connect the copper plates to the terminals of a battery and immerse them in copper sulfate solution. Connect the copper plates. मतलब पहले तो उनको धो लो, जैसे जो कॉपर प्लेट है उनको पानी से धो लो, रिंस कर लिया मतलब पानी से धो लो, उनको ड्राई कर लो, सुखा लो एक, फिर उनको इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दो, डाल दो मतलब।
उनको उनके टर्मिनल को कनेक्ट भी करना है ना बैटरी, कनेक्ट करके हाँ बैटरी से कनेक्ट करके उसमें डाल दो, फिर जैसे कि यहाँ दिखा रखा है सेम ऐसे कैसे करना है, ठीक है। फिर Now remove the electrodes from the solution and look at them carefully. अब उन्हें बाहर निकालो electrodes को, उन्हें ध्यान से देखो. Do you found any difference in any one of them? Different. Do you find any difference? What color is the coating? What is the color? Note down the terminal of the battery with which this electrode is connected. Note color the terminal of the battery with which इसके साथ वो connected थे. कौन सी plating हुई है? आगे पढ़ लो, चलो इसको ही पढ़ लो थोड़ा सा जहाँ तक इसका answer है. Plating activity पहले interchange the electrodes and repeated the activity. What do you think she would observe this time? आवाज साफ नहीं आ रही, तेज बोलो. तुमने क्या सोचा कि इसने इस एक्टिविटी को फिर से क्यों किया? इसने रिपीट किया एक दूसरे इलेक्ट्रोड्स को कि इसमें मतलब यहाँ पे लगाया और इसको उधर इसने. फिर when electric current is passed through the copper sulfate solution, जब इलेक्ट्रिक करंट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के पास होता है, कॉपर सल्फेट चलो मैं समझ, हमारी आवाज क्लियर नहीं है, समझा रहा हूँ. व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब इलेक्ट्रिक करंट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में पास करवाया गया तो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था डिसोशिएट हो गया था कॉपर और सल्फर सल्फेट में. डिसोशिएट हो जाना मतलब एक तरह से ब्रेक हो जाना, टूट जाना, कॉपर और सल्फर के अंदर वो ब्रेक हो गया था. लिख भी लो, चलो यहाँ से भी लिख लो इसको. दो वस्तु के अलग हो जाने की बात को प्रत्यारंभन. एसोसिएट मतलब होता है जुड़ जाना, एसोसिएट हो जाना, डिसोसिएट मतलब अलग हो जाना. टू शो दैट यू आर नॉट कनेक्टेड विद और डू नॉट सपोर्ट समबडी समथिंग, टू शो दैट टू थिंग्स आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर. सेकंड वाला कि दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है. एसोसिएट मतलब दो चीजों का जुड़ जाना, डिसोसिएट हो जाना मतलब उनका अलग अलग हो जाना. टू शो दैट द टू थिंग्स आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर, कि कोई भी दो चीज है वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है. तो जो कॉपर सल्फेट है वो डिसोशिएट हो जाता है मतलब दो अलग अलग टुकड़ों में बट जाता है, कॉपर में और सल्फेट में. द फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, जो फ्री कॉपर होता है वो नेगेटिव टर्मिनल के पास में जाके जम जाता है, जो नेगेटिव टर्मिनल में जो प्लेट लगी हुई है उस पर जम जाता है कॉपर of the battery and gets deposited on it. तो उस जो plate है negative terminal से जो जुड़ी हुई जो plate है उस पर deposit हो जाता है. But what about the loss of copper from the solution? लेकिन solution में copper का loss हुआ उसका क्या? From the other electrode, a copper plate, an equal amount of copper gets dissolved in the solution. जो दूसरी plate होती है जो positive की तरफ जो plate होती है वहां से क्या होगा? A copper plate and equal amount of copper, उतने ही amount का copper मतलब उतना ही copper वहां से get dissolved in the solution, वहां से मतलब उस plate में से निकल के और solution में dissolve हो जाता है. Thus the loss of copper from the solution is restored. तो जो loss है उसको वापस restore कर दिया जाता है, मतलब वापस उसको एक तरह से ठीक कर दिया जाता है.
the process continue. ये process continue रहती है. This means that copper gets transferred from one electrode to the other. इसका मतलब ये हो रहा है कि एक electrode से दूसरे electrode की तरफ copper क्या हो रहा है, transfer हो रहा है. कैसे, कि एक electrode है उसमें से तो copper निकल के उसमें डल रहा है, solution में mix हो रहा है, और दूसरे electrode पे जो solution है उसमें से टूट के दूसरे electrode पे वो जम रहा है. तो इसको एक बार यहाँ तक पढ़ बता देती हूँ बराबर में. Bhoju could get only one copper plate, so he performed activity 14.7 by connecting a carbon rod in place of copper plate. तो एक तो उसने copper plate लगा दी और दूसरी तरफ carbon की rod लगा दी, क्योंकि इसके पास एक ही copper की plate थी, which was connected to the negative terminal of the battery. तो कहा क्या बोले, so he performed this by connecting a carbon rod in place of a copper plate which was connected to the negative terminal of the battery. अब जो वो जो carbon की rod है उसको negative side लगा दी और copper की plate को positive side लगा दी. He succeeded in obtaining a coating of copper on the carbon rod. तो carbon की rod पे जो negative side पे जो लगा हुआ था carbon का rod, उस पे इसको copper की coating मिली वहां पे. So the process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating. Electroplating क्या होता है? Deposition of layer of desired of any desired metal on another material. किसी भी material पे किसी metal की coating का deposit हो जाना, उसकी layer का deposit हो जाना electricity के द्वारा, उसको हम electroplating कहते हैं. यहाँ तक मैं समझाती हूँ. इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ, ये भी केमिकल इफेक्ट में आ जाता है, इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट में आ जाता है. इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में हम और आगे पढ़ेंगे, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे. देखो वापस से पूरा बता देती हूँ मैं इसमें क्या हुआ है. देखो भी मैंने इसमें से देख के बताती हूँ क्या हुआ. जैसे ये कॉपर की प्लेट है तो इसमें से कॉपर निकल के सॉल्यूशन चला गया. सॉल्यूशन में जो कॉपर सल्फेट है ना वो टूट के और वो मतलब इस पे डिपॉजिट हो गया. तो जो भी लॉस हो रहा है वो ये पूरा कर दिए, ये वापस रिस्टोर कर दिए उस लॉस को. तो इसको बस इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं. जो नेगेटिव टर्मिनल से जो भी जुड़ा रहेगा ना उस पे कॉपर की प्लेट मतलब उस पे इस वाले मैटर लॉस जो होगा ना कॉपर का वो है ना पॉजिटिव वाले कॉपर प्लेट से होगा. हाँ लॉस जो होगा वो पॉजिटिव और डिपोजिशन होगा नेगेटिव वाले पे. और इसके बारे में और हम आगे पढ़ेंगे. हाँ इसका कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है. हाँ जो कॉपर है वो सॉल्यूशन, इसने तो ये बोला कि सॉल्यूशन में जो कॉपर है वो डिसोशिएट हो जाता है, जो कॉपर सल्फेट है वो टुकड़ों में टूट जाता है कॉपर प्लस सल्फेट, और वो कॉपर डिपॉजिट हो जाता है. ये बोला है इसने कि जो सॉल्यूशन का है ना वो डिपॉजिट होता है. देखो यहाँ लिखा है ना, देखो ये लिखा द When electric current is passed through the copper sulfate solution, copper sulfate मतलब जो solution है वो dissociate हो जाता है copper और sulfate में, फिर जो free copper है वो electrode उसको मतलब खींच लेता है अपनी तरफ और वहां पे वो deposit हो जाता है उसके, जो negative terminal जो electrode जुड़ा होता है वो खींच लेता है. ऐसा हुआ है और भी आगे पढ़ेंगे, अभी तो यही पढ़ा है कि electroplating होती क्या है. इससे related देखो और भी अभी खत्म नहीं हुआ है, electroplating का और भी आएगा. तो ये बाकी का अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है अभिमन्यु.